हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्रीकल्चर एसटीडी सेंटर में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंचती रहे। आज इस वीडियो में बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर क्रॉप फिजियोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, दो कोशिकाओं को अलग अलग 1M सुक्रोज विलयन तथा 1M सोडियम क्लोराइड विलयन में रखा जाता है, तो उस कोशिका का जल विभाव जो रखी गई है तो उसका होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुक्रोज विलयन में उसका ज़्यादा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्रिया जिसमें गैस, द्रव तथा विलेय के अणु अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं कहलाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विसरण कहलाती हैं। सी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चुकंदर की जड़ों की स्पाइसेज धोकर ठंडे जल में रखते हैं तो इंथोसाइनिन बाहर नहीं निकलता है क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृत संरचना होती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सांद्र विलयनों के मध्य एक अर्ध पारगम्य झिल्ली है, जो कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलयक कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाएगा। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुई के रेशे को पानी में डुबोने पर जल का अवशोषण किस विधि से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतः शोषण या अंतः चूरण के द्वारा होता है। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः आम का अचार नमक में सुरक्षित रखा जाता है क्योंकि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म जीवों को निर्जलित कर देता है। सी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणोभित क्रियात्मक शुष्क मृदा पर उगते हैं क्योंकि इसमें उपस्थित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल में बहुत अधिक लवण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जेसी बोस ने इस वाद को रसारोहण की क्रिया को समझाने का प्रतिपादित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पल्सेंट्री वाद में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ का सक्रिय अवशोषण उत्पन्न करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जड़ के जाइलम रस में धनात्मक दाब होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश जल समो भित्ति पतली पट्टी में पर्णरंध के दिन के समय खुलते हैं एवं रात्रि में बंद हो जाते हैं, यह आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फा अल्फा प्रकार में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंध्रों के खुलने की मंड शर्करा परिवर्तन की परिकल्पना को प्रतिपादित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सायरे एवं स्वीडवर्ड ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वार कोशिकाओं में जब शर्करा का परिवर्तन मंड में हो जाता है तो रंध्र मुख होता है, तो क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण रूपेण बंद हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पौधा मुरझाता है तो भूमि में छोटे
हुए जल की प्रतिशत कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यानी गुणांक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय पादपों में खुले हुए रंध्रों को में होकर गैसीय विनिमय होता है जब निम्न जलीय पादपों में यह होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिकाओं की सामान्य सतह में से विसरण होता है। कोशिकाओं की सामान्य सतह से विसरण होता है, एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह परिकल्पना की रंध्रों का खुलना नियंत्रित होता है एंजाइम प्रेरित स्टार्च के शर्करा में परिवर्तन तथा डीफॉस्फोराइलेशन पदों द्वारा, किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्लेटवार्ड ने, एज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वार कोशिकाओं में कौन सा परिवर्तन रंध्र को दिन में खुला रखते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परासरण दाब का कम होना, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में वर्णक तंत्र वन की भूमिका होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NADP को NADPH2 में अपचयित करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया के पदों को ज्ञात करने में अति लाभदायक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C14 कार्बन समस्थापनिक, बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ADP में बदलता है तो यह निकलता है, तो इसमें क्या निकलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णक तंत्र में सक्रिय क्लोरोफिल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, P700। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।